देखिए, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं और क्या कहूं, लेकिन एक चीज तो जब हम साझा विपक्ष की बात करते हैं तो साझा विपक्ष साझा दिखना चाहिए, साझा होना चाहिए। जाहिर तौर पर जो हो रहा है, हर दल को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ाने के इस प्रक्रिया में फायदे और नुकसान का भी निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है, और शायद उसी से विपक्षी एकता की धुरी के बारे में हम बात कर पाएंगे। सर, कल से भी हुई कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कि खासतौर से बीएसएफ का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लेकर के चर्चा हुई। साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने त्रिपुरा का मुद्दा उठाया ही, और उन्होंने प्रधानमंत्री को ग्लोबल बिजनेस मीट में आमंत्रित भी किया। ये जो पूरी मीटिंग रही, किस तरह से? देखिए, मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि हमारी राजनीति का एक बहुत ही बुरा अध्याय बीते कुछ वर्षों में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जब एक बार चुनाव हो जाता है तो प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के राज्यों के वो प्रधानमंत्री हैं और बाकी राज्यों के जहां अलग दलों की सरकार है उनके प्रधानमंत्री कोई और होंगे। तो एक बड़ा दिल भी होना चाहिए कि चुनाव तक अपनी बात सही है, लेकिन चुनाव के बाद अब देश के प्रधानमंत्री है। उसी दृष्टिकोण से संभवतः ममता जी ने भी, अगर बीएसएफ जुरिस्डिक्शन की बात की है कि जो इतना किलोमीटर का दायरा बिना चर्चा के राज्य से या त्रिपुरा की हिंसा का, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से बात की और उनको जो निमंत्रण दिया है बिजनेस समिट में आने के लिए, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को दिया। ये रवायत लोकतंत्र में बरकरार रहनी चाहिए। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की होगी। ये जो संवाद से हट करके 24 घंटा सातों दिन के विवाद और हिंसक जुबान हमारे राजनीति में हावी हो गया है, उसको किनारा करने की जरूरत। लेकिन सर, इसी सवाल एकता की बात की तो उनसे कल ममता बनर्जी से जब सवाल किया गया कि सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है कि नहीं, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हर बार सोनिया गांधी से मुलाकात करना क्या जरूरी है, क्या ये संवैधानिक बाध्यता है? इसको दूसरे तरह से भी कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये टिप्पणी थोड़ी ज्यादा तल्ख है और इसके लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था। सर, एक और मुद्दा जो कि पिछले एक साल से गरमाया हुआ था, 26 नवंबर के दिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आके बैठे थे, उससे पहले से ही आंदोलन चल रहा था। कल आखिरकार यूनियन कैबिनेट की तरफ से भी मुहर लग गई, जो 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए, क्या कहना? देखिए, इस पर क्या कहूं, ये प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की हठकर्मिता रही। इस मुल्क ने बहुत मुश्किल से बीता एक साल गुजारा। किस हालात में हमारे किसान भाई बहन दिल्ली के सरहद पे बॉर्डर्स पे बैठे रहे, ये इतिहास भुला नहीं पाएगा। बहरहाल, आपने वापस लिया, धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक विशद चर्चा आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन मर्जी हुई तो आपने ये लागू कर दिया, एक दिन आपको लगा तो आपने वापस ले लिया। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संवेदनाएं कहती हैं कि विशद चर्चा हो, क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दे अभी भी मैं समझता हूं अनएड्रेस्ड, जैसे एमएसपी का मुद्दा है और छोटे बड़े कई बड़े सरोकार हैं। मैं समझता हूं एक विशद चर्चा हो रिपील के माध्यम से ही सही, ताकि और एक संदेश जाए किसानों को कि हम आपकी बेहतरी आपसे बेहतर नहीं समझते हैं, माफ करिएगा। सर, इसमें शरद खान है, उन्होंने कहा है कि केंद्र जो है, इस केंद्र सरकार इन तमाम कानूनों को वापस नहीं लेती अगर उन पर दबाव नहीं होता, मुख्तलिफ सतहों से अगर दबाव उनकी तरफ नहीं पड़ता और किसान अगर सड़कों पर नहीं उतरते, क्या कहना है? देखिए, वही बात है जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने वार्तालाप नहीं किया, एकालाप को वार्तालाप का रूप देते रहे, संसद को बुलडोज कर दिया आपने, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या चीजें, कैसी कैसी शब्दावलियां गढ़ी गई, रोन तक दिया गया लखीमपुर में, और वो व्यक्ति अभी भी मंत्रिमंडल में है। तो इस सब चीजों से संदेश जो सरकार की संवेदनहीन होने का गया, शायद सरकार को एहसास हुआ कि ये उचित नहीं है। सर, एक बयान कश्मीर को लेकर के उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के साथ गए, हम कश्मीरी और हमें 35A 370 ये तमाम चीजें मिली, लेकिन सरकार ने वापस ले लिया। सरकार को चाहिए कि वो इन तमाम चीजों को वापस कश्मीर को दे, कश्मीर समस्या का निदान करे, मसल्स पावर दिखा करके आप कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ सकते, वरना कश्मीर अलग हो जाएगा। देखिए, मैं ये अलग हो जाएगा ये महबूबा मुफ्ती जी अकेले तय नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो लगातार हम लोग कहते रहे, सदन के अंदर भी कहा हमने कि 370 हो, 35A हो, ये एक ऐतिहासिक संदर्भ था। उसको अगर आप छत विच्छत कर रहे हैं, आपने विकल्प में क्या रखा है? दिल्ली से बैठ करके आप कहते रहे कश्मीर सामान्य हो गया,
सामान्य बिल्कुल नहीं हुआ। आप अपने 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 सांसदों तक को जाने की, वहां लोगों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को अभी हाल के दिनों में आपने खुर्रम परवेज को अरेस्ट किया। तो इस सब तरह की चीजों से ये संदेश बार बार जाता है कि क्या कश्मीर हमारे लिए महज जमीन का एक टुकड़ा है या वहां के लोग भी हमारे अपने हैं। और वो जो अपने हैं ना, उनको एलिनेशन से बचाने के लिए जिस तरह की पहलकदमियों की जरूरत है, उसका मैं अभाव देख रहा हूं और लगातार देख रहा हूं। सर एक लेकर के राजस्थान के मंत्री हैं, बीएसपी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और उनका ये कहना है कि सड़कें जो हैं वो कैटरीना का कैफ के गालों की तरह से बननी चाहिए क्योंकि हेमा मालिनी जी बूढ़ी हो गई हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कैसा क्षण हमारी राजनीति में है, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और ये अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो रहा है। एक एक अंतरावलोकन की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हमारी राजनीति में किस तरह की जुबान होती जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र के भी बेहद बीमार हो जाने का संकेत है। आए दिन आप देख लीजिए, सत्तारूढ़ दल के लोग हों या विपक्ष के भी कई हों, इस तरह के बयानों से लोकतंत्र की मर्यादा को लगातार चोट पहुंच रही है। ABP News, आपको रखे आगे।